इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का जो मौजू है वो यह है कि किस तरह से महामारी यानी कि आलमी वबा फैलती है, और इससे पहले भी कई सारे महामारी इस देश में भी आई है, दुनिया में भी आई है, लेकिन इसका जिम्मा किसी दूसरे के सर ठीकरा फोड़ कर किस तरह सियासी रोटियां सेकी जाती है, इस पर आज का ये मौजू। वैसे भी चाइना डुप्लीकेट चीज़ों के लिए काफ़ी मशहूर है, सुपर पावर बनने की होड़ में किसी भी हद तक जा सकता है। यह भी देखा जा रहा है कि अब जब कोरोना बीमारी ने अपना खतरनाक रूप दिखाना शुरू किया है तो अमेरिका के भी होश उड़ गए। तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा अफरादों की मौत इस वबा से होने की खबर है। यह वो ट्रंप है जिसने पहले कोरोना को मामूली फ्लू कहा था। कुछ ना कुछ अजीब गरीब बयान के लिए भी अमरीकी सदर जाने जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि ट्रंप बहुत करीबी है, पर ट्रंप अपने दोस्त से यानी भारत से हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन दवा भी मांगते हैं तो धमकी देकर मांगते हैं। कई सारी मुशावत ट्रंप और मोदी के दरमियान देखी जा सकती है। नोटबंदी, जीएसटी और अब लॉकडाउन जैसे फैसले इसकी दलील ही कह सकते हैं किस कदर देश की मईशत चरमरा गई है। ताली थाली मोमबत्ती जैसे नुस्खे सिर्फ भारत देश में ही मिल सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप भारत के वजीर आजम का मजाक भी करने से नहीं चुकते। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी कुछ ज़्यादा ही ट्रंप के नज़दीकी बनने की कोशिश कर रहे थे। शायद अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होने की वजह से दोस्ती को मजबूत कर रहे होंगे, पर कोरोना वायरस ने दुनिया की सियासत को ही बदल कर रख दिया। कई इल्मी दानिशवरों का कहना है कि कोरोना की जंग में चाइना दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा, और वैसे भी पूरी दुनिया को यहाँ तक कि अमेरिका को भी कोरोना टेस्टिंग किट चाइना ही दे रहा है। अब कोरोना महामारी भारत को कहाँ लाकर खड़ा कर देगा? क्या दुनिया में जब भारत विश्वगुरु बनने का ख्वाब देख रहा था सच हो पाएगा, या और पहले से ही पीछे चला जाएगा? अमेरिका की जगह अब जब चाइना ले रहा है तो चाइना भारत के ताल्लुकात सभी जानते हैं कि कितने कशीदा हैं, और चाइना भारत दुश्मनी भारत पाकिस्तान की तरह ही है। मोदी हुकूमत के सामने यह चुनौती होगी कि चाइना से ताल्लुकात किस कदर बेहतर करे। कहा यह भी जा रहा है कि चाइना आलमी ताकत बनने की हैसियत नहीं रखता, पर मौजूदा हालात चाइना के हक में ही नजर आ रहे हैं। अमरीकी सदर खुद कह रहे हैं कि लॉकडाउन अमरीका को बर्बाद कर देगा। कोरोना वायरस महासत्ता यानी आलमी ताकत बनने की कहानी तो नहीं, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। कोरोना वायरस चीन के यहाँ वुहान शहर से तो आया, पर दुनिया को लॉकडाउन कर खुद कारोबार कर रहा है। बाजार फैक्ट्रियाँ सब खुले हैं, दुनिया खौफजदा है तो चाइना इत्मीनान से है। दुनिया की मईशत तकरीबन खतरे में है। इसराइल के साबिक फॉरेन मिनिस्टर श्लोमो बेन येमी कहते हैं कि जब भी कोई महामारी आलमी वबा आती है तो देश की मईशत ख़त्म होती है, मुल्क में अफरा तफरी का माहौल रहता है, तब मुल्क तानाशाही और राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ता है। किसी धर्म को या किसी तबके को जिम्मेदार ठहरा कर इस बीमारी के लिए वजह बनाई जाती है। अफवाहें फैलाना भी इसी का एक हिस्सा होता है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी से पहले भी इस तरह का प्लेग वबा आई थी जिससे बेजेंटाइन हुकूमत की मईशत पूरी तरह से ख़त्म हुई थी। यहूदी श्लोमो कहते हैं कि साजिश होने की बात महामारी के वक्त में कहना भी उमूमन होता है। जब रोम में प्लेग महामारी आई थी तो इसके लिए ईसाइयों को जिम्मेदार ठहराया गया था। 14वीं सदी में ब्लैक डेथ महामारी ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया था तो यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। आज जब कोरोना के लिए अमेरिका, चीन और यहूदियों को जिम्मेदार ठहराने की बात भी कही जा रही है, इसी तरह से साहित्य का नोबेल सम्मान जीतने वाले फ्रेंच अल्जेरियन लेखक अल्बेर कामू कहते हैं कि अमीर गरीब की खाई और बढ़ जाती है, गरीब को निशाना बनाना आसान होता है। लिहाजा मुल्क की बढ़ती बेरोजगारी गिरती मईशत का ठीकरा किसी के तो सर फोड़ना ज़रूरी होता है। अब अगर इस बीमारी को भारत के पस मंज़र में देखा जाए तो तबलीगी जमात और मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश पहले दिन से ही जारी है। क्या लॉकडाउन के बाद मुल्क में अमन कायम रहेगा या किसी को जिम्मेदार ठहरा के अमन के दुश्मन फिर सरगर्म होंगे? सुबह शाम सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, यह भी सवाल है। या फिर प्रोपेगेंडा मशीनरी भी किसी मकसद के तहत काम को अंजाम दिया जा रहा है? यकीनन देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वैसे तो हर मामले के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने का फैशन ही जारी हो चुका है। कोरोना के बहाने डूबती मईशत का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़कर
कथित राष्ट्रवादी खून खराबे का फसाद का जाल तो नहीं बुन रहे। वैसे तो गांव में दाखिल होने के लिए आज छोटे छोटे कारोबारियों को जाने नहीं दिया जा रहा। कई सारी जगह पर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर यानी कि ये कोरोना को फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराने की भी साजिश चल रही है। कहीं पर तो नोटों को फेंक कर एक तरह का पैनिक क्रिएट करने की भी साजिश हर रोज जारी है। पर देश के उन लाखों करोड़ों सेक्युलर सच्चे भारतीयों की जिम्मेदारी है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए किसी मजहब को निशाना बनाकर नफरत के शोलों में मुफाद की रोटियां सेकने वालों की साजिशों को समझ सके और उन्हें नाकाम कर सके। इस देश के गंगा जमुनी तहजीब की बुनियाद को कोई भी महामारी हिला नहीं सकती जब तक कि हम इस संविधान को समझकर, इस हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर इस देश की बुनियाद को, गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखें। वरना इस देश को अंधेरे में जाने से कोई नहीं बचा सकता। सभी को यही पैगाम कि घर में रहिए, महफूज रहिए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।